तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और दुनिया में किसी भी फिल्म के टीजर के लिए 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करने वाला पहला टीजर बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के टीजर को अब तक 7.5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स भी हासिल हो चुके हैं जो कि एक नया रिकॉर्ड है। और इसी के साथ दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और 2021 में रिलीज होने वाली वर्ल्ड सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि रॉकिंग स्टार यश की इस फिल्म के टीजर को ऑडियंस आज भी पसंद कर रही है जबकि इस फिल्म के टीजर को रिलीज हुए आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं और इन 7 दिनों में इस फिल्म ने 150 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया है। वहीं दोस्तों थैलापैथी विजय की फिल्म मास्टर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स बना रही है और धमाकेदार कमाई कर रही है। इसके अलावा दोस्तों मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म क्रेक भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है और राम पोथीनेनी की फिल्म रेड भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन जबरदस्त कमाई करने में सफल रही। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इन तीनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और केजीएफ के प्रेडिक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एनर्जेटिक सुपरस्टार राम पोथीनेनी की एक्शन थ्रिलर फिल्म रेड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जिसे कि कल तेलुगु स्टेट में रिलीज कर दिया गया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में मात्र 750 स्क्रीन मिली है और यह फिल्म एक तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म थडाम की ऑफिशियल रिमेक है। इस फिल्म में राम पोथीनेनी ने डबल रोल प्ले किए हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स को उन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों लगभग 750 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की और मकर संक्रांति की छुट्टियों की वजह से इस फिल्म का कलेक्शन रहा है 8 करोड़ 30 लाख रुपए का। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि साउथ फिल्मों को अपने पहले दिन तो काफी जबरदस्त ओपनिंग मिलती है और अपने दूसरे दिन इन फिल्मों के कलेक्शन कम हो जाते हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर रेड की भी आज की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो काफी कम है और आज ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ही कमाई कर रही है। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का 2 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10.5 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 12 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हो रही है। वही अगर बात करें हम लोग यहाँ पर दूसरी फिल्म यानी कि मास महाराजा रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रेक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जो कि 9 तारीख को रिलीज की गई थी और बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई करती ही जा रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि यह भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको रवि तेजा सर और श्रुति हसन नजर आई है और इस फिल्म का डायरेक्शन गोपीचंद मालिनेनी ने किया है। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिली जो कि आउटस्टैंडिंग कलेक्शन था। अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 4 करोड़ 50 लाख रुपए, वहीं अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए थे 3 करोड़ 90 लाख रुपए। चौथे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन रहे 3 करोड़ 70 लाख रुपए के, वहीं पांचवे दिन भी इस फिल्म ने आउटस्टैंडिंग कमाई की और कमाए 3 करोड़ 10 लाख रुपए। छठे दिन के कलेक्शन रहे हैं 3 करोड़ रुपए के, वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 7वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है और सुपरस्टार रवि तेजा की ये फिल्म के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है और राजा द ग्रेट के 26 करोड़ रुपए के कलेक्शन को भी पीछे कर चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस काफी एंजॉय कर रही है, इसी वजह से इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 50 करोड़ रुपए की कमाई आज पार कर देगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों रवि तेजा सर की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर डायरेक्ट हिंदी में भी रिलीज किया जाना चाहिए था या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर थैलापैथी विजय की मच अवेटेड फिल्म मास्टर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जिसने कि 2021 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने पहले ही दिन 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके एक नया इतिहास बना दिया। बताते चले दोस्तों आपको कि थैलापैथी विजय और विजय सेतुपति के लीड में बनने वाली इस फिल्म का डायरेक्शन लोकेश कनगराज ने किया है और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें थैलापैथी विजय एक मास्टर की भूमिका में नजर आए हैं। इस फिल्म में दोस्तों थैलापैथी विजय और विजय सेतुपति को काफी पसंद किया जा रहा है और हिंदी में भी इस फिल्म को विजय द मास्टर के नाम से काफी पसंद किया जा रहा है। सिंगल स्क्रीन ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को काफी एंजॉय कर रही है, इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ली और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा वो कम रहा क्योंकि दोस्तों साउथ की फिल्में अपने पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग लेती है और अपने दूसरे दिन कम कमाई करती है। उसी तरह से दोस्तों इस फिल्म
ने अपने दूसरे दिन कमाए हैं 29 करोड़ रुपए। वहीं अपने तीसरे दिन भी ये फिल्म काफी जबरदस्त कमाई कर रही है और कमा रही है लगभग 18 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा लगभग 80 करोड़ रुपए का। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 105 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी और थेलेपैथी विजय के लिए एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में, जिसका टीजर ही कई सारे रिकॉर्ड बना चुका है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो कितने रिकॉर्ड्स बनाएगी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। अपने पहले ही दिन से दोस्तों इस फिल्म के टीजर ने रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किए थे, तो आज भी इस फिल्म का टीजर रिकॉर्ड्स बना रहा है और 150 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। और इस फिल्म के क्रेज को देखते हुए दोस्तों एक ही बात कही जा सकती है कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये फिल्म जब भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी कई सारे रिकॉर्ड बना देगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस फिल्म को दोस्तों अगर हॉलीडेज पे यानी कि ईद पे या दिवाली पर रिलीज कर दिया जाए तो ये फिल्म दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और बाहुबली को भी पीछे कर सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस फिल्म का जो पहले दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन होगा वो 150 से 200 करोड़ रुपए का रह सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फिल्म को अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग मिलेगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।